सॉरी नाच से लेकर मेरे लेफ्ट साइड पे द ग्रेट श्वेता मेहता है विनर ऑफ रोडीज एंड फिटनेस क्वीन, राइट साइड पे अ वेरी ग्रेट और हमेशा जो सपोर्ट करते हैं विजय शुक्ला सर वाइस प्रेसिडेंट रोड पर, पीटी मैम फॉर कॉन्सेप्ट बैटल्स, मैरी मैम, अनुप जी, परेश सर, विशाल सर यहाँ पर बैठे हैं सर, एक बार उनको भी थैंक यू कह रहा होगा विशाल सर हमेशा भी, महेश करे सर जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है सुपर किसी की जो ओनर है एंड अंजलि स्वराज एसोसिएशन सर थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट द ब्रीफ ऑफ नाच। ये नाच का फिफ्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर। ये इंडिया का सिर्फ एक मेवर डांस कॉन्सर्ट है, इंडिया में कोई डांस कॉन्सर्ट नहीं होता है। हमने कॉम्पिटिशन का मसला हटाया, ये एक फेस्टिवल बनाया हमने, जो सारे कोरियोग्राफर्स और डांस अकेडमीज है नई मुंबई के वो एक साथ एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं डांस को। इस साल हमारे पास धर्मवली से भी है और अच्छा धर्मवली से भी परफॉर्मेंसेस है, पूना से भी परफॉर्मेंसेस है। नाच 2017 में पूना भी गया था, इस साल नाच नई मुंबई होने वाला है, उसके बाद पुणे एंड देन उसके बाद कोल्हापुर भी लॉन्च होने वाला है नाच दिस ईयर। Thank you very all the two. Any questions for me, sir? Yes, कैसे कर लेते हैं? लास्ट ईयर तक हमें प्रॉब्लम हो रहा था कि 3 to 4 hours में नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमने 2 slots कर दिया है सर, यानी कि 3 बजे से लेकर 6 बजे के परफॉर्मेंस होगा और 7 बजे से लेकर 10 बजे के परफॉर्मेंस मतलब स्लॉट होगा जहाँ पर और भी डांसर्स एक साथ आ सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। इस सबका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा नहीं है कि वो आप अच्छे नाचते हो तो ही आप अंदर हो, आपको सिर्फ डांस का जज्बा होना चाहिए तो आप अंदर हो, नहीं जाते तो दोनों आपको सिखा ही लेते हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि प्रत्येक सेकंड नंबर, तो इसको कंपटीशन का टच है या खाली आपको परफॉर्म करना है? सर इसमें कंपटीशन का बिल्कुल टच नहीं है, यहाँ पर कैसे आते हैं हमारे डांस क्लासेस जो बच्चे हैं उन्हें पहले स्टेट करते हैं एंड एक परफॉर्मेंस होता है, सेलिब्रेशन होता है। देखो सब भाई जैसे खड़े, जैसे बहन जैसे खड़े सब, देखो सर ये कहीं नहीं होता सर। आप अगर कोई कॉम्पिटिशन ले लो अगर ये अभी पॉप ले लो, एक पॉप वाला बाजू पॉप वाला वो साथ में दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि साथ में सब अच्छा फ्रेंड्स है और अच्छा फैमिली जैसे जैसे हैशटैग से प्राउडली वी आर नाच फैमिली। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नवी मुंबई में चूँकि ये बहुत इस्टेब्लिश हो गया है और लोग बाग ये जानते हैं कि हर साल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देश के सबसे उम्दा, देश के सबसे अच्छे जो डांस मास्टरों हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो एक सारे जो ग्रुप्स हैं डांसर्स के उनको ये खुद अपने से जज्बा होता है कि दे हैव टू गिव देयर बेस्ट, और जब ऐसा जज्बा आता है तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी खुल के और काफ़ी उत्साह के साथ में अपने को परफॉर्म करते हैं और यही चीज़ उनको और आगे लेके जाती है। सर माना कि ये कंपटीशन नहीं है फिर भी जो पार्टिसिपेट रहेंगे जो अपना, सर जैसे आपने बताया कि इसको कॉम्पिटिशन का टच नहीं, लेकिन जैसे ही परफॉर्म यहाँ पे भले ही सोलो हो डुएट्स हो ग्रुप हो जो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे उसके बाद जो हमारे सेलिब्रिटीज जो आएंगे क्या उन्हें वो प्लेटफॉर्म दे सकते हैं? सी क्या होता है कि किसी भी कंपटीशन में जाने के पहले एक स्टेज, इतना बड़ा स्टेज मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जब ऐसे माइस्ट्रोज के सामने जब वो परफॉर्म करते हैं तो उनका मनोबल अपने आप में बहुत बढ़ जाता है और यही बेसिक्स हैं कि जो उनको एक कॉम्पिटिशन में ले जाने का रुझान देते हैं, और दूसरा ये भी देते हैं कि नहीं हम भी कर सकते हैं और हम भी बेहतर हैं। तो ऐसा नहीं है कि वही उनको एक ब्रेक देंगे, क्योंकि आज के डेट में हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन्स का तांता लगा हुआ है और मेरे हिसाब से जब वो इतने बड़े लोगों के सामने, इतनी पब्लिक के सामने परफॉर्म करते हैं तो कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, तो उनको वो ब्रेक मिलता ही मिलता है। थैंक
आपल्या कडून ते परफॉर्म केले. सर 5 वर्ष झाले, 5 वर्ष झाले बरोबर. त्याच्यात तुमच्याकडे त्यांनी उत्कृष्ट परफॉर्मन्स, ही कॉम्पिटिशन बरोबर. तर याच्यापैकी कोणाला गेले 5 वर्षातून तुमच्याकडून जे कलाकार गेले परफॉर्म करून, तर त्यांच्यापैकी कोणाला टेलिव्हिजन सिरियल किंवा फिल्म असं काही संधी मिळालेली आहे का? सर आता रिसेंट D5 म्हणून एक ही हॉटेल प्लेस आपलं चॅनल आहे तेलुगूचं, तिथे त्यांना एक ब्रेक मिळेल. आपलं तो कुठल्या क्लासमध्ये तो फील्ड द बीट अकॅडमी तनवेलच्या क्लासमधून त्यांना ब्रेक मिळेल. कारण टीनेजर्स म्हणून एक क्रू होता सर, ते टीनेजर्स क्रू आपल्याकडे परफॉर्म केलं होतं आणि त्यांनी मला वाटतं DIT डान्स क्लासमध्ये परफॉर्म केलं होतं. इंडियाज हॉटेल और सर सबसे बेस्ट पार्ट है, हमारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं सर, ऊपर के प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये सब वहाँ परफॉर्म करते हैं सर. अरे मतलब यहाँ पर समझ लगे वो हर जगह मिलेंगे. हाँ, और द बेस्ट पार्ट इज आपको एक चीज बताता हूँ, श्वेता मैम फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने वाली है, डांस में ट्रिब्यूट करने वाली है सर खान मैम के लिए. थैंक यू सो मच नाच धक धक. और एक दो तीन जो अब तक के उनके बेस्ट रहे हैं, उनके सारे बेस्ट रहे हैं, लेकिन जो भी काफ़ी फेमस रहे हैं वहाँ वहाँ से हम कुछ कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं उनके सिग्नेचर्स. हाँ जी, तो मैंने उन्हीं के ही 4 सॉन्ग सेलेक्ट किए हैं, इन्होंने ही मुझे करवा के दिए हैं, तो उनके सिग्नेचर स्टेप्स हम जरूर करने वाले हैं. सो दैट्स हाउ हम लोग ट्रिब्यूट दे सकते हैं उनको. तभी मैं नर्वस हूँ क्योंकि उनके सामने उन्हीं के स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, और वो भी फर्स्ट टाइम, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और वो भी इतने अच्छे डांसर्स के साथ. एंड राइट, हमारे मैरी मैम जो है, हम उनको आज एक टाइटल देना चाहते हैं, अब अम्मा नई मुंबई के, एक बार हेलो सारे मैरी मैम के लिए, एंड दिस इज द टाइटल फॉर नाच. व्हाट डू यू से मैम, क्या बोलने सर? अम्मा बोल दिया तो बोलने के लिए कोई बोल ही नहीं है, क्योंकि बच्चे जो भी करेंगे अम्मा वो ले लेती है, इनको बुलाया जाता है कि अम्मा. सो आई एम वेरी अप्रिशिएट, दिस इज आवर फैमिली नाच नाउ मुंबई फैमिली 50th ईयर सेलिब्रेशन. बहुत प्राउड फील हो रहा है, अम्मा का आशीर्वाद हमेशा है. कल परसों तरसों अम्मा नहीं तो भी नाच नाई मुंबई आगे तक चलना ही चाहिए. थैंक यू वेरी मच. इसका मेन मोटो कॉम्पिटिशन नहीं था. हाँ, एक यूनिक चीज हम आगे करना चाहिए. एक 6 महीने में हम सोच रहे वर्कशॉप रखे सेलिब्रिटीज का, तो नाच एज अ वर्कशॉप, वेयर सेलिब्रिटी से कम खाली आते हैं और जाते हैं, उधर परफॉर्म करते हैं, तो देखें टीच ऑल्सो, ये हमारा एक मोटो है आगे का. वी आर ट्राइंग, अगर आपका आशीर्वाद है तो जरूर आगे बढ़ेंगे. दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट एसोसिएट विद दिस नाच, एंड आई विल ट्राई टू बी कंटिन्यूड फ्रॉम फॉर लॉन्ग टाइम. एंड यहाँ पे अच्छा है क्या, अभी जो भी डांस करेंगे वो आएंगे भी खुशी से और जाएंगे भी खुशी से, कि कोई हारने वाला तो है नहीं यहाँ पे. प्रीति मैम को बताओ, विशाल जी एक्चुअली जब मैं उनके पास गया था, प्रीति मैम हम जो गए थे, वो खुद एक अंदर एक डांसर उनके बसा हुआ है, तो वही डांस है, इसके लिए मैं एसोसिएट हूँ. प्रीति मैम, मुझे अभी 1.5 साल हो गए दीपक शेट्टी के साथ में एसोसिएटेड, और जो भी ये शोज करते हैं बहुत अच्छे शोज करते हैं. मिसेस नवी मुंबई भी बहुत अच्छा था, एंड आई एम प्राउड ऑफ दीपक शेट्टीज नाच. थैंक यू फॉर योर नाच फैमिली. थैंक यू सो मच आरुण सर. थैंक यू दीपक जी, इट्स रियली अ प्लेजर कि सतगुरु शीतल हॉस्पिटैलिटी इस इवेंट के साथ जुड़ा है. मैं 2 शब्द बोलूँगा, अगर कोई पंजाबी आपका केटर है, दोस्त है, तो 2 चीज़ होना ज़रूरी है. एक तो भंगड़े की ढोल पे वो नाचेगा और अच्छा खाना खिलाएगा, तो वो 2 चीज़ हमारे में है. लंगर हम दुनिया के लिए लगाते हैं, और जब भंगड़े की ढोल बजेगी तो हम भी नाचेंगे. एंड बेस्ट पार्ट योर क्वेश्चन, सी इन द वर्ल्ड राइट नाउ
कॉम्पिटिशन इज गेटिंग चेंज टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कोलैबोरेशन. जब फर्स्ट टाइम मेरे पास दीपक जी आए, ठीक है हम केटरिंग करते हैं, हजारों में करते हैं, सब ठीक है, बट आई लाइक द वर्ड व्हेन ही सेड दिस इज अ कोलैबोरेशन नॉट अ कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन इज मोर टू क्रिएट यू नो राइवलरी अमंग ईच अदर. व्हेन यू कोलैबोरेट यू आर सेलिब्रेटिंग द इवेंट. सो दीपक जी आई लव दिस थॉट and that's how I got with my partner we decided that we should be together and it's going to be a great event. Looking the kind of passion they have and the kind of choreographer and madam and everybody is there, I wish them all the best and would like to serve you forever. Thank you, Deepak ji. See, jaise Deepak ji ne bola, it's a festival, so we are very proud to celebrate this festival and serving the people. So and afterwards anchoring my panel my event, and then I joined as a in an organizing panel. So this journey from a normal becoming an audience to in the organizing panel has been very memorable, and that's how we can say ki progress ho raha hai. Yahan pe sir ne pucha tha ki kisi ka progress ho raha hai kya yahan par stage pe. So I must say I am one of the example for that, the audience se leke till the organizing panel. Thank you so much Deepak sir, and we are proud to be an Aaj panel. I am very thankful to Deepak. I've been working with Deepak for last 2 years as a makeup artist. But my background, खुद का dancing का background है. I have lot of songs in my kitty. जब Deepak ने last year नाच किया था, I just went there because मेरा 4 साल का gap हो गया था. तो मैं सिर्फ उसका setup देखने गई and I entered the console. मैंने touch किया and I felt कि यहाँ पे एक स्कोप है मुझे कि मैं अपना डांसिंग वापस ला सकती हूँ. एंड दिस ईयर थैंक्स टू दीपक, ही इज गिवन मी अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव टू मेक श्वेता डांस एंड आई मस्ट से फॉर फर्स्ट टाइम ऑफ शी इज अ रॉकर. बहुत अमेजिंग है, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है. सेकेंडली नाच एक ऐसी चीज़ है जो बॉम्बे साइड से हूँ मैं, तो हमने वहाँ पर कॉम्पिटिशन ही देखा है. कॉम्पिटिशन के डर से लोग आगे नहीं आते, अपना टैलेंट नहीं दिखाते हैं. तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम सब लोगों को एक साथ लेके आ रहे हैं और सब लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं. एंड फैमिलीज ऑल्सो दे आर ऑल्सो हैप्पी टू सी देयर किड्स परफॉर्म. तो यहाँ पे किसी को डर नहीं रहता परफॉर्मेंस से पहले. सो आई वॉन्ट टू थैंक दीपक फॉर कमिंग आउट विद दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट नाच. एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं नाच फैमिली हूँ आज. एंड थैंक यू दीपक फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर फैमिली. थैंक्स. लास्ट थिंग आई वांट टू सी अ बेल्ट के बोलने से तमाश करने के बोलने हैं, बिकॉज़ आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस पीपल. ये जो कोरियोग्राफर्स हैं सूरज इज देयर मैन, सैज रैक्सर शकुल मंगेश कुशा मैरू मैम रश्मि मैम इज देयर आई थिंक सो शी सेड दैट प्लीज कम हियर मैम. इनके बिना मैं कुछ भी नहीं. ये सारे लोग ने दिस मैन इज आल्सो हियर एंड थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू सो वेरी मच. लव यू गाइस. Can we have a little silence? Louder. The mic is not loud. No, mic is chal raha. Are you all right? Hello. Mic. Thoda loud. Good. Good. Is it okay now? Roll it. Just roll it. Roll. Puchna. Puchna. Roll. 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 Deepak ji, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई. आप ऑलरेडी जानते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो दीपक जी से पिछले कुछ सालों में मिले और धीरे धीरे एसोसिएट होते गए. मैं भी उन्हीं में से एक हूँ. मिस्टर एंड मिस नवी मुंबई में मैंने उनके साथ एक इवेंट किया था, तो वहीं से हमने नाच के बारे में बात की. उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया. इट्स वेरी गुड. मैं डांस में नहीं रही हूँ, बट आई यूज टू डांस इन स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम. मुझे बहुत अच्छा लगा कि थ्रू नाच आई कैन ऑल्सो गेट बैक ऑन स्टेज. So that was the moment when I said yes for Naach. But कुछ दिन पहले जब उन्होंने बताया कि the concept is वो tribute देना चाहते हैं वो भी सरोज जी को, क्या तुम डांस करोगी उनके लिए, that was a good thing क्योंकि वो किसी डांसर के थ्रू भी tribute दिला सकते हैं. But if they pick me, so it's kind of a big responsibility. और मैं बहुत nervous थी, but मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहती थी. By the way, roadies को वैसे भी कोई option नहीं होता, हमें जो भी मिलता है हमें करना पड़ता है और अच्छे से करना पड़ता है, जीतने के लिए करना पड़ता है. So I'm prepared, I'm nervous, and I'm very excited. I'm very, very excited to share the stage with the best choreographers. नाच हमेशा कॉम्पिटिशन के
तौर पर नहीं देखा गया है, तो एक मतलब जिस तरह से जो बडिंग टैलेंट है उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का एक जरिया हुआ है हमेशा पाँच सालों से, कैसे देखते हैं? सी एज दे सेड इट्स अ फेस्टिवल, और जिसको ये स्टेज मिला है ना, मुझे नहीं लगता वो कहीं पर भी कमी छोड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं है. क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों में बहुत से डांसर्स और बहुत से कोरियोग्राफर से मिल चुकी हूँ, उनमें वो जज्बा है. हो सकता है वो जीतने के लिए नहीं हो, बट दे नो कि उन्हें धर्मेश सर के आगे डांस करना है, उन्हें सरोज जी के आगे डांस करना है, और इतना बड़ा स्टेज है उसकी रिस्पेक्ट करनी है. तो इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, बट इट्स नॉट लेस देन अ कॉम्पिटिशन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस. यस यस. सो मैंने आईटी में जॉब, आई फिनिश माई बी टेक एंड आई टी में जॉब किया मैंने 3-4 साल, और उसके बाद मैंने फिटनेस में कुछ कॉम्पिटिशन्स किए, जीते, दैन मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने रोडीज जीता, और अब एक नया यू नो कीड़ा जागा है. आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ वन लाइफ, एक ही जिंदगी है, और मेरी लिस्ट इतनी लंबी है ना, धीरे धीरे मुझे सब टिक करना है, और दिस इज काइंड ऑफ ड्रीम द गेटिंग बैक ऑन स्टेज विद डांस. आई एम वेरी एक्साइटेड. सो रोडीज मैंने कभी भी एज अ रियलिटी नहीं देखा था. मैं रोडीज में 3 साल रिजेक्ट हुई थी, 2014, 2015, 2016 एंड 2017 आई वेंट एंड वन दिस शो. वो मेरे लिए सिर्फ रियलिटी शो नहीं था, वो मेरे लिए पैशन था. सो गेटिंग बैक ऑन स्टेज फॉर अ डांस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू मी, वट एवर आई डू आई पुट माई हार्ट इन टू इट. सो थैंक यू. अलाउड है क्या? दीपक जी, पहले नाच नवी मुंबई 2019, उसके बारे में विस्तार से बताएं, कैसे होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कौन कौन, धर्मेश जी की बात करें, सरोज जी की बात करें, कैसे ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे ये लोग लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में नाच नवी मुंबई 2019. नाच नवी मुंबई 2019 जो है ये 27 अप्रैल को होने वाला है, सिडको ऑडिटोरियम में होने वाला है. दो स्लॉट है, एक स्लॉट जो है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का स्लॉट है जिसमें सरोज खान आएंगे, और दूसरा जो स्लॉट है वो 7 बजे से लेकर 10 बजे का स्लॉट है जहाँ पर धर्मेश सर आएंगे. तो इन दोनों स्लॉट में करीबन 30 डांस अकेडमीज परफॉर्म करेगी, नई मुंबई के और मुंबई के मिक्स कर. और कहाँ कहाँ से लोगों ने फॉर्म भरा है या कोई जानकारी, कहाँ कहाँ से पूरे देश से लोग आ रहे हैं या नवी मुंबई या नवी मुंबई ऐसे ही? नहीं सर, सिर्फ नवी मुंबई से नहीं है, इस बार हम नवी मुंबई तक सीमित नहीं है. एक एंट्री जो है मध्य प्रदेश से भी है, तो कुछ बच्चे मध्य प्रदेश से आकर यहाँ पर वाशिंग आके सीख रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं नाच में, और पुणे से भी एंट्री है और कोल्हापुर से भी है सर. धर्मेश की बात करें तो किस प्रकार का वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो बच्चे बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज आप द क्वीन ऑफ डांसिंग आप बोलते सर जी, तो एक अलग ही रिस्पेक्ट है. मास्टर जी आ रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है. श्वेता किस गाने पे परफॉर्म कर रहे हैं, श्वेता का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे नच नवी मुंबई? श्वेता मैम ट्रिब्यूट कर रहे हैं सरोज जी को. एक तो गाना है वो धक धक वाला जो गाना है उनका, और 2-3 गाने वो सरप्राइज, सब आगे 27 तारीख को देखे है ना. कोरियोग्राफर के ऊपर कितना चैलेंज है श्वेता को डांस करवाना? ये सर कोरियोग्राफर के ऊपर चैलेंज हो रहा है, इसके लिए हमने एक हिडन टैलेंट जो बहुत टाइम से अंदर ही अंदर दबा के रखा था, उन्होंने शुभांगी मैम ने वो मेकअप आर्टिस्ट में आ गए, फिर उनका अच्छे उन्होंने आइटम नंबर्स किए हैं, बहुत सारे शो रियलिटी शोज किए हैं, तो हमने वो जो है जो क्या बोलते हैं उसे, वो जिम्मा जो है उनके कंधों पर हमने रखा है शुभांगी मैम. And I hope you आप कितने एक्साइटेड हैं इस गाने को लेके, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, लोग आपकी एनर्जी की तारीफ करते हैं, शायद आज के बाद इसके बाद डांस की भी तारीफ करेंगे लोग, मुझे ऐसी उम्मीद है, आशा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत से लोग नहीं जानते कि मैं डांस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मुझसे अभी भी बहुत सवाल आ रहे हैं कि तुम सच में बॉलीवुड में डांस करने वाली हो, क्योंकि वो मुझे थोड़ा बहुत हिप हॉप करते देखते हैं, तो इन्होंने बोला कि ये सरप्राइज है, आई थिंक 27 तक सबको वेट करना चाहिए, मे भी कुछ नया रूप देखने को मिल जाएगा. दीपक चलते चलते आखिरी सवाल, क्या कुछ व्यूअर्स से अपील करना चाहेंगे लोगों से जो ये 17 तारीख को होने वाला है, उनसे क्या कुछ कहना है? 27 तारीख को आइए, सब एक साथ आइए, सारे बच्चों का परफॉर्मेंस देखिए, और लेट्स सेलिब्रेट डांस, दैट्स इट, नथिंग एल्स. आपका सपोर्ट रहता है, क्या कहना चाहते हैं? दीपक को मैंने बड़ा होते हुए देखा है, और शायद
आज दीपक जिस मुकाम पे पहुंच रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो लोकमत का रोल है वो बहुत बड़ा है, और जिस तरीके से ग्राउंड्स दीपक ने लिए हैं उसके बाद तो वो बहुत ही काबिले तारीफ है। बिकॉज आदमी में जब तक खुद में कुछ दम नहीं होता उसको कितना भी सपोर्ट दिया जाए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो उसके टैलेंट्स, उसके डेडिकेशन, उसके पोटेंशियल, उसकी एनर्जीज, उसके एटीट्यूड, उसके परसेप्शन लेवल सब की मैं तारीफ करूँगा। और जब कॉन्सेप्ट बनाना इजी है बट उसको मुकम्मल एक उस लेवल पे पहुँचाना डिफ़िकल्ट है। जिस प्रकार का कॉन्सेप्ट उसने बनाया है कोलाबोरेशन का वो वाकई में बहुत सराहनीय है। एंड आई सिंसियरली विश कि ना केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में नाच अपनी एक अलग जगह बनाए, पहचान बनाए, और ये नाच फैमिली दे आई थिंक आई मीन दे विल वन डे दे विल डांस विद द डेस्टिनी, दे विल डांस विद द पीपल ऑफ इंडिया।